तीर्थ नमो तीर्थंकर प्रणमो तीर्थ नमो तीर्थंकर प्रणमो ध्याओ आगमनाद जी उससे बढ़िया कौन है जो देवे निज भान जी उससे बढ़िया कौन है जो देवे निज भान जी। आगमवाणी को आप्तज्ञानी सद्गुरुदेव को भावमय वंदना। उपस्थित समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि हम जानते तो हैं कि क्या सही है क्या गलत है, समझते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते। ऐसा क्यों? जब भी करने का मौका आता है तब हम पुराने ट्रैक पे चले जाते हैं, वापस वही गलतियां रिपीट करने लगते हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं, और वापस हमारे मुंह से वही डायलॉग्स निकलते हैं जो कि अब हमें पता है कि नहीं बोलना था लेकिन फिर भी बोल जाते हैं, और सोच भी फिर नेगेटिव हो जाती है। अब हजारों बार सुन चुके कि पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव बोलो, लेकिन फिर घूम फिर करके वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। इसका रीजन क्या है, आपको पता लगा कुछ रीजन? जवाब देंगे, आदत वश, बेहोशी पना की वजह से। और वो सही जवाब दे रहे आप, और कारण क्या? हाँ, आवेश में आ जाते हैं। बिल्कुल सही है, जब आवेश में आ जाते हैं तब हमसे वो की वो गलतियां होती है, क्रोध आदि आवेश में आ जाते हैं तब। क्वेश्चन है ना सबका ये? हाँ, ये क्वेश्चन सबका आई थिंक। ऐसा होता क्यों है? समझदारी बहुत है फिर भी गलतियां वो की वही हो जाती है। कारण तो समझ में भी आ रहा है, कारण इन वर्ड तो समझ में आ गया, आदत आवेश बेहोशी प्रमाद समझ, समझ की अशुद्धि समझ की कमी, ये सब कारण है। अब बात यह है कि कारण भी समझ में आ गया, प्रॉब्लम भी समझ में आ गई, निवारण का उपाय क्या है? वो पाठ तो हो, वो ट्रैक तो मिले कि हम अपने इन सारी आदतों को जीते कैसे और अपनी गलतियों से बाहर कैसे आए। इसके लिए कई सारे उपाय हैं, पर एक प्राइमरी उपाय ये करें हम कि जब हम गलती नहीं कर रहे हो उन क्षणों को, जब हम गलती में नहीं हैं, अभी हम नेगेटिव सोच नहीं रहे, बोल नहीं रहे, हम कुछ गलत कर भी नहीं रहे, फालतू भी नहीं कर रहे, शायद हम सब ठीक ठाक चल रहे हैं, उन क्षणों में हम अपने मन को इस भांति निर्मित करें कि जब कभी ऐसा क्षण आएगा कि आवेश आएगा, उसके पहले हमारा मन हमें टकोर दे देगा। यानी स्वास्थ्य को इतना अच्छी तरीके से सहेजना संभालना और संवारना सीख जाएं कि बीमारी के आने का कोई ऑप्शन ना बचे। और हम सब लोग हर वक्त कोई गुस्सा नहीं करता, हर वक्त कोई नेगेटिव नहीं सोचता, हर वक्त कोई घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे होते। शांति के क्षण तो होते ही हैं सबकी ज़िंदगी में, सुख के क्षण भी होते ही हैं सबकी ज़िंदगी में, लेकिन होता क्या है ना, उन सुख और शांति के क्षणों में हमें उन्हें उतना आनंद से जीना, उतनी इंटेंसिटी से जीना नहीं आता, इसी वजह से दुख जब आता है तो वो हावी हो जाता है। मतलब पॉजिटिविटी में हमें उतना प्रफुल्लित होना नहीं आता जितना हमें होना चाहिए। नहीं, कुछ क्षण सबके पास होते हैं जब वो एकदम कोई प्रकार की प्रॉब्लम को फील नहीं कर रहे होते, ना फिजिकल ना मेंटल। ऐसे क्षण सबके पास आते हैं या नहीं आते? आते हैं। ऐसे क्षण हम सबके पास आते हैं जबकि हमारे चारों ओर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन जब भीतर बाहर ठीक ठाक चल रहा है तब हमारे भीतर में प्रफुल्लता का अनुभव कितना गहरा होता है या कम गहरा होता है? आई थिंक कम गहरा होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम कोई शांति में मंगल भावना नहीं भाते, धन्यवाद गुरुदेव कितना आनंद है, धन्यवाद गुरुदेव आपने समझ दी, धन्यवाद
प्रकृति का कि सब चारों ओर साता बरस रही है, सब अनुकूल है, और ये अनुकूलता जो मुझे मिली वो सबको मिले, अनुकूलताओं में भी हम आभारी और उदार बने, अनुकूलता के क्षणों में आभारी बने, उदार बने, और उस समय में अपने हृदय को प्रेम और प्रफुल्लता से भर दे, मतलब आनंद के क्षणों को, समझदारी के क्षणों को, ज्ञान के क्षणों को हम जितना गहराई से महसूस करते हुए जीते हैं उतना ही अज्ञान के क्षण हमसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि मुख्य बात ज्ञान और अज्ञान की भी नहीं बची, मुख्य बात है तीव्रता की, गहराई की। हमारे पास बुद्धि के क्षण होते हैं, हमारे पास समझदारी के क्षण होते हैं, लेकिन उनमें गहराई हम उतनी नहीं ले पाते जितना कि हम दुख के क्षणों को गहरा बना देते हैं, जितना कि हम नेगेटिविटी के टाइम के अंदर में हम जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं वो इतना भयंकर होता है, और पॉजिटिव के टाइम में हम कहते हैं इट्स ओके। नहीं, आप जनरली देखो किसी से पूछो कैसे हो आप, ठीक हो, यही बोलते हैं। बहुत थोड़े लोग बोलते हैं अरे एकदम मस्त। देखो बोलने बोलने में पता लग जाएगा, वो जो बोलते ठीक हूँ इट्स मीन्स ठीक है, एवरीथिंग इज ओके ओके। लेकिन कोई बोलता है अरे गुरुदेव की कृपा आनंद ही आनंद है, अरे देव गुरु धर्म की कृपा परमात्मा की कृपा, अरे आप सबकी दुआएं है ना साथ, जिंदगी एकदम खुशनुमा छंद है। अरे कोई बोलता है जिंदगी एकदम खुशनुमा छंद है, हमारे यहाँ तो बचपन में सिखाया गया कैसा भूलना भी नहीं, क्योंकि ऐसा बोल दिया ना तो नजर लग जाएगी है या नहीं, ऐसे सिखाया गया ना। अरे अपने सुख के दिनों की बातें मत करो, अपना सुख बखानोगे तो नजर लग जाएगी। और एक और बात सिखाई गई, ज्यादा हंसो मत, जितना हंसोगे ना, आप सबने बता दिया ये भी हमें गलत टीचिंग दे दी गई कि जितना हंसोगे उतना रोना पड़ेगा। अरे भैया क्यों रोना पड़ेगा, लेकिन हमें ऐसा सिखा दिया गया, और फिर ये बातें इतनी कॉमन फैक्ट हो जाती है कि आदमी के माइंड में इतना इफेक्ट डाल देती है कि वो बातें सच ना भी होनी हो तो हो जाएगी, क्योंकि हमारी सोच है, हमारा विश्वास है, इसलिए सच हो भी जाएगी। लेकिन हम आपको कहते हैं सच ये नहीं है कि हमें रोना पड़ेगा, सच ये हम अपनी हंसी को इतना बिखेर दें, इतना आनंदित बना दें कि वो जो दुख का कोई एकाध क्षण आना भी है ना तो वो दुख का क्षण हमारी हंसी से आवृत हो जाए, हमारे प्रेम और खुशी से आवृत हो जाए, हमारे भीतर के विश्वास से आवृत हो जाए। और ये भीतर का विश्वास बढ़ाना होगा हमको, हम सबका विश्वास जितना दुखों में है उतना सुखों में नहीं है, हम सबका विश्वास जितना इस बात पे है कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं आगे ठीक नहीं होगा ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, उतना विश्वास हमारा इस बात पे है ही नहीं कि कितना कुछ ठीक हो रहा है, कितना कुछ ठीक हो रहा है उस पर हमारा विश्वास नहीं है, इतने कुछ ठीक हो रहा है वो हम महसूस ही नहीं कर पा रहे, और जो थोड़ा बहुत कुछ ठीक नहीं हो रहा है वो सब हमको इतना बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, एक्चुअली बहुत बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। और अब देखो ज्यादा टाइम उजाले के होते हैं, हर आदमी की जिंदगी में ज्यादा समय उजाले का होता है, ज्यादा चीजें उजाले वाली होती है, प्रकाशित होती है, प्रेमपूर्ण होती है, लेकिन वो प्रेम वो प्रकाश छूता कहां, छूता कहां, वो स्पर्श ही नहीं कर पाता, हम उसकी गहराई में जा ही नहीं पाते। और अगर हमने गुरु की कृपा, गुरु के मिले ज्ञान, गुरु से मिले हुए आशीर्वाद, और अपने सहयोगियों से मिला हुआ सहयोग, प्रेम, आदर, सम्मान, उसको हमने बहुत गहराई से अनुभव किया ना, तो हमें बहुत सारी फालतू की चीजें जो लड़ाई झगड़े की है ना बिल्कुल गौण लगेगी। देखो मिथ्यात्व की एक परिभाषा यह भी है कि जो तुच्छ करने योग्य चीजों को महत्व दे दे और महत्वपूर्ण चीजों को तुच्छ बना दे उसका नाम मिथ्यात्व। जो गौण को मुख्यता देता हो और मुख्य को गौण बना देता हो वह भी मिथ्यात्व है। अब देखना हम लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में, गौण क्या है और मुख्य क्या है, समझ तो पा ही रहे होंगे। लाइफ में शांति मुख्य है, अशांति गौण, सुख मुख्य है, दुख गौण, प्रेम मुख्य है, कलह गौण, हमारे में एकता है ये मुख्य है, हमारे में भेद है ये गौण है, हमारे में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी है ये गौण है, और हम सब में कितनी साम्यता है वो मुख्य है। लेकिन जनरली हम लोग क्या करेंगे बताओ, जिनको मुख्यता देनी चाहिए ना
उनको हमने गौण कर दिया, जिनको हमें गौण कर देना चाहिए था उनको हमने। अब कोई दो आदमी एक जैसे तो कंप्लीटली तो होते ही नहीं, डिफरेंसेस तो होते ही हैं, लेकिन हम उन डिफरेंसेस को इतनी बार सोचते हैं, इतनी बार बोलते हैं, और अगर सामने कोई ना भी बोल रहा हो तो मन ही मन बोल रहा है। ये स्थितियां चलती रही तो आगे क्या होगा, घर अलग हो जाएंगे, बिजनेस अलग हो जाएगा, भाई भाई लड़ेंगे, कोर्ट केस हो जाएगा, फिर मम्मी पापा किसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे या उसकी तरफ जाएंगे, ओहो इतना बड़े नुकसान हो जाने वाले, होने वाला क्या है, जिंदगी बेकार है, काश ऐसे दिन आने से पहले मैं तो मरी जाऊं ताकि मुझे दुखी ना देखना पड़े। हमारा दिमाग न जाने कहां 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 पहुंच जाता है, जबकि वो घटना सामने है ही नहीं, कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन उन डिफरेंसेस को हम गौण कर सकते थे, जो एकता उसको मुख्यता दे सकते थे, जो समानता है, जो प्रेम है, जो आनंद है, जो खुशियों के पल है, उनको हम कितना तवज्जो देते, खुशियों के पल को तवज्जो देते ही नहीं, खुशियों के पल आने की प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा में हम बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन जब खुशियां आती है और क्षण भर में चली जाती है, फिर वापस हम वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं, वापस डिफरेंसेस में पहुंच जाते हैं, अपने अपने गमों में, अपने अपने दुखों में पहुंच जाते हैं। तो ये कारण है कि हम लोग जानते हैं, समझदार है, लेकिन हमारी समझदारी गहरी नहीं है, हमारी समझदारी गहराई नहीं पाती, और गहराई इसलिए नहीं पाती कि कहीं ना कहीं गलत विश्वास हमारे जहन में अपना बहुत बड़ा अड्डा जमा चुके हैं, गलत विश्वास हमारे जहन में अपना बहुत बड़ा अड्डा जमा चुके हैं, प्रभाव जमा चुके हैं, और ऐसे गलत विश्वास कि हंसोगे तो रोना पड़ेगा, सुख है कहाँ, दुख ही दुख है जिंदगी में, तो फिर साधु संतों से भी हमने सीखा है कि जीवन में सुख है ही कहाँ, ये तो सुखाभास है, सब दुखी है, यहाँ पे सच्चा सुख तो यहाँ है ही नहीं, हमने इतना ज्यादा मान लिया कि हमें लगता है हाँ सुख तो है ही नहीं, फिर सुख कहाँ है, तो सब सोचते कभी कहीं दूर। ये गलत तरीके से समझा और समझाया गया धर्म है, अगर सही तरीके से धर्म समझोगे तो सुख है अब भी और यहीं, आनंद है अब भी और यहीं, ज्ञान है अब भी और यहीं, और हम सब में ज्ञान है, हम अपने ज्ञान का आदर तो करें, हम अपने ज्ञान का उतना रिस्पेक्ट नहीं करते जितना हम अपनी कमियों और कमजोरियों की व्याख्या करते हैं, सच्ची बताओ क्या करते हैं, ज्ञान सबके पास है लेकिन अपने ज्ञान का खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करते, और तो बड़ी बड़ी बात खुद तो करते ही नहीं, और हमारे संगी साथी है ना वो भी पूरी तरह से तैयारी करके बैठे होते हैं, जरा हम कोई एक आध ज्ञान की बात बोल देना कहेंगे हो रंग चढ़ गया, क्या बात है, कहाँ जाकर आ रहे हो, अच्छा अच्छा चार दिनों की बातें हैं, हो तो वही वही आदमी, तुम्हें कौन सा ज्ञान पल्ले पढ़ना है, मतलब वे हमारे प्रति ऐसे ऐसे अविश्वास भरे वाक्य बोलेंगे कि हमें लगेगा वाह चलो चुप ही हो जाओ, यहाँ तो इस बात की कोई कदर ही नहीं है, मतलब हमारे संगी साथी भी कहीं कोई कमी कसर तो नहीं छोड़ते, और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि हम भी किसी के संगी साथी हैं और हम भी ऐसे ही बोल रहे होते, मतलब अगर चातुर्मास के समय में कोई एक दो व्यक्ति एक बदलने लग जाए ना तो बाकी की कमेटी के लोग बोलने लगते हैं क्या हो गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं थोड़े दिनों का प्रभाव है, बाकी तो हमें पता है तुम हो तो वही के वही आदमी, रहने वाले तो वैसे ही हो, मतलब दूसरे लोगों का आपकी अच्छाई पर भरोसा भी कम ही होगा और आपकी कमजोरियों पर भरोसा ज्यादा होगा, ऐसा हम दूसरे लोगों का नाम ले रहे हैं, हकीकत में हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारा भी यही है, हमारा भी यही हाल है, हम भी किसी के अच्छाई और बदले हुए रूप पे भरोसा नहीं करेंगे, हम भी उसकी कमियां और कमजोरियों पर, चली आ रही आदतों पर और पुराने सारे एक्सपीरियंसेस पर कि तब भी उन्होंने ऐसे ही किया था, तब भी वैसे ही किया था, दिखाते कुछ और थे, करते कुछ और थे, बोलते कुछ और थे, होते कुछ और थे, हमें भी सबको उनकी कमियों पर जितनी आस्था होती है ना उतनी दूसरों की अच्छाइयों पर आस्था नहीं होती है या नहीं, सही है, हम सबको दूसरों की कमियों पर जितनी आस्था उतनी अच्छाइयों पर आस्था क्यों नहीं है, सोचो जरा, नहीं है ना, आप कहोगे ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, यही कहोगे ना कि पास्ट में हमने हर बार देखा है कि वो एक आध महीने में लोग ऐसे होते हैं और उसके बाद में तीसरे चौथे महीने तक वापस वो सावन भादवा में लोग कुछ नहा लेते हैं, बारिश होती है तब, और उसके बाद में वापस
वही अपनी पुरानी खोल में चिपके हुए, वही पुरानी आदतों में जीते हुए, वही पुराने ढर्रे पर वापस वैसे ही ट्रैक पर चल रहे होते हैं। हमारा पुराना एक्सपीरियंस ऐसा है, इसीलिए हम हर बार सब पर ऐसा ही भरोसा करते हैं। सब पर बोले तो खुद पर भी, क्योंकि जो आदमी अपने संगी साथियों की योग्यता पर भरोसा नहीं करता, उनके बदले हुए सुधरे हुए रूप पर, उनकी सकारात्मकता, उनके प्रेम पर, उनकी सेवा, उनकी उदारता पर भरोसा नहीं करता, वो अपनी गुणों पर भरोसा भी नहीं कर सकता। उसको अपने आप पे भी भरोसा नहीं है, इसीलिए तो वो औरों पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। भरोसा कैसे बढ़ता है, कैसे आत्मविश्वास बढ़ता है? जब हम सब अपने संगी साथियों की काबिलियत पे भरोसा करने लगते हैं तो हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब हम सब में रहे हुए गुणों पे भरोसा करने लगते हैं तो हमारे अंदर के गुणों पे भी भरोसा बढ़ने लग जाए। वैसा वैसा खुद के अंदर होगा, दूसरों पे होगा। दूसरों पे करोगे खुद के अंदर हो जाएगा, और दूसरों पे नहीं करोगे तो खुद पे भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिसको हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हम उसको बाहर नहीं देख रहे, अपने भीतर देख रहे हैं। अगर हम बाहर भी किसी की बुराई देख रहे हैं तो वो बाहर नहीं देख रहे, अपने भीतर देख रहे होते हैं, और अपने भीतर उस तरह की बुराई को पनपा रहे होते। ये एक फैक्ट भी हमें समझ आ जाए, आई थिंक इट्स इनफ। ये हम औरों में जो भी देख रहे हैं वो खुद में देख रहे हैं, खुद में पनपा रहे हैं। अगर हम औरों में अच्छाई देखते हैं, अच्छाई पे भरोसा करते हैं, तो हमारे भीतर भी अच्छाइयों पे भरोसा जगता है और हमारी भी अच्छाइयाँ बढ़ती है। लेकिन अपने अपने संगी साथियों में हम कमियां, कमजोरियां, फॉल्ट्स देखते जा रहे हैं तो वही चीज़ें हमारे अंदर भी है और बढ़ रही है और मजबूती पा रही है। ये एक फार्मूला समझ आ जाए। गुणवान होने का एक ही तरीका काफ़ी है कि हमें सब में गुण नजर आ जाए। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक ही तरीका काफ़ी है कि हमें सबकी अच्छाइयों पर विश्वास आना चालू हो जाए, और सबकी अच्छाइयों पे जितना विश्वास हो उनकी बुराइयों पे जरा भी विश्वास मत करो। ये जानो कि बुराइयां तो फॉरेन एलिमेंट है, कहीं से आ गई होगी, निकल जाएगी। जैसे एग्जांपल से समझो, कभी कभार हमें गुस्सा आ जाता है, तब हम क्या बोलते हैं वापस गुस्सा ख़त्म होने के बाद अपनी सफाई देते समय कि गुस्सा आ गया था, मैं एक्चुअल में ऐसा होने बोलते हो ना। कभी कभार आपने वचन दिया और भूल गए, और वचन पूरा नहीं किया, वायदा पूरा नहीं किया, और लोग पूछते क्या आप ऐसे, आप कहते हो रियली मैं भूल गया, अगर मेरे को याद होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं अपना प्रॉमिस करने के बाद कभी तोड़ता नहीं हूँ, कमिटमेंट करने के बाद हमेशा उसको पूरा करता हूँ, मेरे माइंड से स्लिप हो गया, अथवा मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई, वरना मैं ऐसा इंसान हो ही नहीं। मतलब हम अपने भीतर में अपने अच्छाइयों पर भरोसा कर पा रहे हैं, और हमसे कुछ गलतियां हो गई तो हम स्वीकार करते हैं कि ये गलतियां मुझे करनी नहीं थी, लेकिन अनइंटेंशनली या ड्यू टू सम रीजंस या बाय मिस्टेकन मुझसे ये चीज़ें हो गई, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे वैसा मत मानना। हम दूसरों को कह रहे होते हैं ना, ठीक वैसा ही अपने भीतर से दूसरों के लिए जानो, ठीक वैसा ही अपने भीतर से सबके लिए जानो कि अगर किसी से कोई गलती हुई है, इट मे बी कोई मिस्टेक हुई होगी, भूल गए होंगे, कुछ और लाइफ में अचानक कोई परिस्थिति आ गई होगी, कुछ आवेग निकलने बाकी रहे होंगे, बचपने में नहीं निकले होंगे, अभी निकल रहे हैं, निकलने दो। लेकिन आदमी बहुत अच्छा है, किसी की भी अच्छाई पर हमारा पूरा भरोसा हमें अच्छा इंसान बना देगा, और सबकी बुराइयों पर भरोसा हमें बुरा इंसान बना देगा। और मैं समझती हूँ हम में से अधिकांश लोग सबकी अच्छाइयों पर भरोसा ज़्यादा करते हैं, बुराइयों पर कम। ऐसा है, ऐसा है नहीं है, नहीं है, आप कह रहे ऐसा नहीं है, हमें तो बुराइयों पे भरोसा ज़्यादा होता है, अच्छाइयों पर कम होता है। अगर ऐसा है, आपको लगता है कि हमें दूसरों की बुराइयों पर भरोसा ज़्यादा होता है, अच्छाइयों पर कम होता है, तो चलो कोई बात नहीं, लगता था अभी से नहीं, इसी क्षण से ट्रैक चेंज कर लेते हैं ना।
ये ऐसा लगता था जब मुझे समझ नहीं थी, जब मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस ऐसे थे, लेकिन अब तो मैं अपने पास्ट को छोड़ने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पर्यूषण के दिन आ रहे हैं ना, तो पर्यूषण के दिन इसी बात के लिए तो है कि अपने पास्ट को छोड़ दो, नई जिंदगानी शुरू करो, नई यात्रा शुरू करो, नए वर्ष की शुरुआत करो। संवत श्री, अब संवत श्री, अब देखो संवत श्री का मतलब क्या होता है, नए वर्ष की शुरुआत, ठीक है। अब ये संवत श्री यूं देखो तो कभी नहीं, अभी ना फर्स्ट जैन है, ना वो चैत्र की प्रतिपदा वो एकम है, ये कैसे शुरू हो रहा है संवत श्री? वैसा वार्षिक संवत चालू नहीं हो रहा, ना विक्रम संवत, ना ईस्वी संवत, कोई प्रकार का संवत चालू नहीं हो रहा, एक आध्यात्मिक संवत चालू होने वाला है। कौन सा संवत श्री चालू होगा, कौन से नए वर्ष की शुरुआत होगी? भीतर के, भीतर में नए वर्ष की शुरुआत होगी, बाहर की गणित में नहीं, घड़ियों में नहीं, दिनों में नहीं, वर्षों में नहीं, मासों में नहीं। वहां तो हर दिन नया है, वैसे ये भी दिन नया हो जाएगा, और साल जो चल रहा है वही चलता रहेगा, लेकिन नई शुरुआत होने का समय आ गया, क्योंकि पर्यूषण का दौर आ रहा है। और ये पर्यूषण हमारे अपने अतीत के सारे जो माइंडसेट था उन सबको छोड़ देना और नए जीवन की शुरुआत का, साधना का दिन है। इसीलिए आज शुरुआत करें, विश्वासों को बदलें, पहली शुरुआत आज से कर लें, विश्वासों को बदलें। बदलेंगे हाँ? कौन लोग तैयार है? सब तैयार है, आभार। तो आज पहला हमारा दिवस कि हम विश्वास को बदलते हैं। अब तक चाहे हमें अपनी और औरों की बुराइयों पे भरोसा था, लेकिन आज से हमें अपनी और सबकी अच्छाइयों पे भरोसा होगा। अब तक चाहे हम गौण करने योग्य मुद्दों को महत्ता देते थे, लेकिन अब हम गौण करने योग्य मुद्दों को गौण करेंगे और अच्छाइयों को, प्रेम को, एकत्व को, ज्ञान को, आनंद को, ब्लेसिंग्स को महत्व देंगे। जो ब्लेसिंग्स जो हम पर है हम उसको महत्व देंगे, जो नहीं मिला उसको महत्व हम नहीं देंगे, जो मिला है उसको महत्व देंगे। पहला प्रयास विश्वास बदले, क्योंकि हमारा जैसा विश्वास होगा हम वैसे होंगे। अच्छा विश्वास है हम अच्छे हैं, सुखद विश्वास है हम सुखी हैं, दुखों पर विश्वास है तो दुखी हैं, लेकिन हम दुखी थे, है नहीं, होंगे नहीं। देखो आपकी प्रतिज्ञा कितनी गहराई से पैदा होने वाली है। हम सबकी ये प्रतिज्ञा हमारे भीतर जितनी गहराई से पैदा होगी हम उतने ही तुरंत प्रभाव से बदल जाएंगे, और हमारा बदलाव उतना ही गहरा होगा। अगर ये बात समझ आ रही है, और मैं विश्वास कर रही हूं कि हमें समझ आ रही है, अगर हमें समझ आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, पूरी जिंदगी को यू टर्न करने वाली बात है। अब ये सवाल हमारी जिंदगी में नहीं बचेगा कि मैं जानता तो हूं लेकिन कर क्यों नहीं पाता, मैं समझदार तो हूं लेकिन मेरी समझदारी गायब क्यों हो जाती है, मेरे ज्ञान और आचरण के बीच में दूरियां क्यों हैं? एक ही कारण, दर्शन शुद्ध नहीं। दर्शन शुद्ध नहीं हो तो ज्ञान और चरित्र में दूरियां होती है। दर्शन शुद्ध हो तो ज्ञान और चरित्र में कोई गैप नहीं रहता। ज्ञान है, चरित्र नहीं तो दर्शन की अशुद्धि है। और दर्शन यानी हमारे विश्वास की, हमारे महसूसी की, हमारे अंतरंग अनुभव की, हमारी अंतरंग श्रद्धान की। हमारे अंतरंग श्रद्धान की कमजोरी है कि हम अपनी कमजोरियों को भी मायने ज्यादा देते हैं और औरों की कमजोरियों को भी महत्व ज्यादा देते हैं। अभी अंतरंग श्रद्धान बदल डालो। दर्शन की शुद्धि विश्वास की शुद्धि के रूप से कर रहे हैं हम। विश्वास की शुद्धि होगी, दर्शन की शुद्धि होगी, और विश्वास की शुद्धि और दर्शन की शुद्धि हुई, ऑटोमेटिकली ज्ञान दर्शन चरित्र का गैप खत्म। जहां ज्ञान दर्शन चरित्र में कोई गैप ना रहे, कोई अंतराल ना रहे, वहीं दोनों तीनों ज्ञान दर्शन चरित्र समकित होते हैं, और वही मुक्ति का मार्ग होता है, वही आनंद का मार्ग होता है। जहां तीनों में
गैप है, दूरियां है, डिस्टेंसेस है, ज्ञान कुछ है, विश्वास कुछ है, करते कुछ है, वही हम सब तनाव में हैं। हमारे संसार में जितने दुख है, जितने रोग है, जितनी तनाव, जितनी परेशानियां है, इन सब का कारण समझ अलग, जीना अलग, सोचना और बोलना अलग, यही कारण है। हमारी सोच कोई और बह रही है राह कोई और। अब ऐसा नहीं हो, और इसका एक ही कारण था कि हमारे दर्शन की अशुद्धि थी। अब हमें दर्शन की शुद्धि करनी है, और दर्शन की शुद्धि करने के लिए पहला संकल्प आज हम लेते हैं कि हम खुद पर और सब पर, उन सब के भीतर रही हुई अच्छाइयों पर भरोसा करते हैं। अगर बुराई कहीं से है भी तो हम ये मानते हैं कि ये किसी मिस्टेक से हो गई है, कभी कोई अचानक भूल हो गई है, गलती बाय चांस हो गई, नहीं करना चाहते हुए भी वो अपने कंट्रोल आवेग को कंट्रोल नहीं कर सके, प्रमाद में चले गए। हो सकता है उनका माहौल में उनको सही ज्ञान मिला ही नहीं था, उनको सही समझ और संस्कार मिला ही नहीं था, इसीलिए उनके अंदर कुछ ऐसे गलत पॉइंट्स डेवलप हो गए, जो कि अगर उनको सही संस्कार मिला होता तो ये डेवलप नहीं हो सकते थे। लेकिन अगर किसी में कोई गलती हो भी गई तो क्या हुआ, मेरे पास इतना प्रेम ज्ञान और आनंद है ना कि मैं उनकी गलतियों को दूर कर सकता हूं, मैं अपने प्रेम से उनके भीतर के गलत संस्कारों को दूर कर सकता हूं। यह विश्वास होना बड़ी बात है। एक बच्चा स्कूल से लड़ झगड़ के आया हुआ था, मार पीट के आया था और मार खा के भी आया था, घर आके माँ के सामने रोने लगा कि माँ देखो मेरा पूरा पैर छिल गया और खून बह रहा है। माँ उसके पैर को पट्टी बांध रही थी, इतने में ही उसके क्लासमेट की मम्मी अपने बच्चे के साथ उसके घर पे आती है और बोलती है कि देखो तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया, मेरे बेटे को लहूलुहान कर दिया, मेरे बेटे को पीटा। अब उस माँ ने अपने बच्चे के फेवर में सामने वाले के बच्चे की बुराइयाँ उसके माँ को करी, जो कुछ बोलना था सब बोला और बोल करके चली गई। गलत नहीं था क्योंकि उसका बच्चा पिट कर आया था, उसके बच्चा लहूलुहान हो रहा था, उसकी माँ की ममता थी। वो अपने बच्चे के फ्रेंड की माँ को बताने गई कि देखो तुम्हारे बेटे ने आज क्या क्या कर दिया, ऐसे में माँ क्या करेगी, क्या करेगी, अपने बच्चे पे गुस्सा करेगी, अपने बच्चे को डांटेगी, समझाएगी। उस माँ ने क्या किया, उस माँ ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा तुमने आज उसको क्यों पीटा। वो बोला उसने पीटा था, उसने ऐसा बोला था इसलिए मैंने भी पीटा, जैसे सारे बच्चे बोलते। वो हमेशा सारे बच्चों में लड़ाई क्या होती है कि पहले गलती उसकी थी, मैंने तो बाद में पीटा, पहली बार तो उसी ने कुछ बोला था। और ये आदत है ना बचपन वाली, हमारी बुढ़ापे तक रहती है, हम सब यही कहते हैं पहले गलती तो उनकी थी, नहीं कहते क्या, कहते हैं ना, ये बचपन से हम सबकी आदत पड़ी हुई है। तो उस बच्चे ने भी बोला, उसकी माँ ने उसको अपनी गोद में लिया, प्यार से सहलाया और कहा बेटा देख तेरे पास तो तेरी माँ है, तो अगर मार खा के भी आएगा ना मैं अपनी ममता से तेरे घावों को भर दूंगी, पर कदाचित तूने जिसको मारा उसकी माँ नहीं हुई या उसकी माँ ने उसकी अपनी ममता से उसके घावों को नहीं भरा तो उसके घाव ठीक कैसे होंगे, इसीलिए मैं तुझे कहती हूँ कि तू मार भी खा के आएगा तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना अपने प्यार से अपने तेरे घावों को भर दूंगी, तेरे को गुस्सा करने की जरूरत ही क्या, तेरे पास में सब कुछ तो है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुझे चाहिए और तेरे पास में ना हो, तेरे पास सब कुछ है तो गुस्सा ही मत कर। बच्चे को वो बात समझ आ गई, वो बच्चा एक दिन महापुरुष हुआ, गुजरात में दादा भगवान के नाम से प्रसिद्ध, दादा भगवान का नाम किताबें आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। मुझे उनके बचपन का ये प्रसंग इतना छूता है कि कैसे अपनी माँ के कहे हुए शब्दों ने उनकी दृष्टि बदल डाली, उनको ये समझ आ गया कि मुझे कभी मारना नहीं है क्योंकि मेरे पास तो मेरी माँ है, अगर मैं मार खा भी लूँगा तो मेरी माँ मुझे सुरक्षित कर देगी। देखो जिंदगी का एक आध वाकया आदमी की जिंदगी को कौन सी दिशा में ले जाता है, कौन सी दशा में ले जाता है। और हमारे यहाँ बहुत सी माताएं ऐसी होती है जो बेटी को विदा करते वक्त कहती है ना बने तो घर आ जाना, बैंक बैलेंस पड़ा है, हम बैठे हैं ना, तेरे पापा की कोर्ट में अच्छी जान पहचान है, चिंता ना करना। ऐसे संस्कार देने वाली भी माताएं हैं, और ऐसी लड़कियों ने हमें बताया
कि महाराज जी मेरी तो शादी होने वाली है, लेकिन मेरे पापा ने मुझे पहले ही कह रखा है कि फालतू कुछ सहन मत करना। मैंने कहा हो गया कल्याण, अगर माता पिता ऐसी शिक्षा देंगे तो बच्चों का क्या होगा, ये पीढ़ियां खराब क्यों हो रही है। बहुत बड़ा कारण हमारे विश्वासों की कमी, हमारी समझ की अशुद्धि, हमारे अंदर अपने ही प्रेम पे भरोसा नहीं है। क्या हमें अपने प्रेम पे भरोसा नहीं है कि हम अपने प्रेम से अपने साथियों के दोषों को भी हर लेंगे? क्या हमें अपने प्रेम पे भरोसा नहीं है कि हमारा प्रेम किसी के गलत संस्कारों को भी बदल सकता है? अरे इतनी बार सुनते हैं सुदर्शन ने अर्जुन माली को बदल डाला, वो सुदर्शन की श्रद्धा थी ना कि अर्जुन माली बदल गया, हमारे में नहीं है तो हम कहां धार्मिक होंगे। इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ करो, विश्वास बदलो, अपने प्रेम पे भरोसा करो, अपनी उदारता पे भरोसा करो, अपने दिल की दया करुणा पे भरोसा करो। हम सब में है वो प्रेम, क्यों सूख जाता है, क्यों छोटा हो जाता है, क्यों हम प्रेम को महत्वहीन बना देते हैं और झगड़े फसाद को इतने गौण को इतना महत्व दे देते हैं? ये गलत प्रयास मिथ्यात्व है, इससे बदलो, इससे बचो और समझो कि इस मिथ्यात्व की वजह से ही आदमी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को बांटे जा रहे हैं, एक दूसरे को काटे जा रहे हैं। जरा कोई बोले तो सही और हमारी सोच तुरंत उनकी बात को कट करने की होती है, इनकी बात को काटू कैसे और अपनी बात को रखू कैसे, जमाऊ कैसे। और ये कितनी बड़ी हिंसा है जो हम सब लोग करते हैं। विराट गुरु जी कहा करते कि बात काटना गात काटना, बात काटना गात काटना है जीवन साक्षात काटना, भली बुरी प्रतिपक्षी कथनी हमको तो बस खुशी बांटना, जो बांटोगे वही मिलेगा यही सृष्टि का राज, बिन परिश्रम बट सके खुशी तो क्यों कल पर हो आज, रे भवि जने क्यों कल पर हो आज। बात काटना गात, गात शरीर को कहते हैं, जब हम किसी की बात काटते हैं तो हम उसके शरीर के टुकड़े कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, प्रणातिपात कर रहे हैं। वचन में भी प्राण होते हैं, पता है ना, वचन बल प्राण। और जब हम अपने वचन बल प्राण से किसी के वचन बल प्राण को दूषित करते हैं, कट करते हैं, उनके प्राणों को काट रहे हैं, प्राणातिपात कर रहे हैं। बात काटना गात काटना है जीवन साक्षात काटना, भली बुरी प्रतिपक्षी कथनी, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई प्रतिपक्षी कथनी करे, कोई विपरीत कथन करे, हमको तो बस खुशी बांटना। ऐसे समय में भी जब कोई हमारे झोली में कंकर पत्थर डाल रहा हो तब भी हमें उसके लिए फूल देना। अगर विश्वास बदला है तो व्यवहार बदलेगा, ये नियम है। अगर विश्वास बदला है तो व्यवहार बदलेगा। अगर हमें सबकी अच्छाइयों पर भरोसा जगा है तो कोई हमें कांटा भी देगा हम उसको फूल ही देंगे, कोई हमारे रास्ते में शूल बिछाएगा हम उसके लिए भी फूलों की दुआ करेंगे। भली बुरी प्रतिपक्षी कथनी हमको तो बस खुशी बांटना, जो बांटोगे घुणित मिलेगा यही सृष्टि का राज। इस सृष्टि का ये रहस्य है, ये राज है कि इंसान ने जो बांटा उसको गुणित हो करके मिला, कई कई गुणा हो करके मिलता है। देखो एक एग्जाम्पल, अभी जब हम हंसते हैं इस मंच से तो आप सब लोग हंसते हो, है ना, हम तो एक हंसे और हमको कितनी हंसी देखने को मिली, कितनी, हमको सैकड़ों हंसी देखने को मिली। तो हमने एक हंसा और हमें सैकड़ों मुस्कुराहटें मिली, नहीं मिली, तो यही तो जिंदगी का राज है, जो बांटोगे गुणित मिलेगा यही सृष्टि का राज। बिन परिश्रम बट सके खुशी तो, खुशियों को बांटने में परिश्रम होता है क्या, होता है, फिर क्यों नहीं हंसते हो भाई साहब? जो बिना परिश्रम के अगर खुशियां बढ़ सकती है तो फिर क्या, क्यों जबरदस्ती अपने आप को रोके रखते हो? ना ना सीरियस
तो इतना ज़्यादा धार्मिकता के नाम पे सीरियसनेस सिखा दी गई। कल भी कोई भाई साहब कह रहे थे, महाराज साहब कह रहे कि आप तो हैबिट ही पड़ गई। हमें सिखाया गया कि अगर तुम जिंदगी में खुश रहते हो, खुशियाँ मनाते हो, तो पाप लगता है। और ये गलत शिक्षा ने हम सबको सीरियस बना दिया। पर नियम है, बिन परिश्रम बढ़ सके खुशी तो क्यों कल पर हो आज। आज को कल पर क्यों टाल रहे हो, आज ही हंसो ना। हाँ, और कहते हो कि बहुत धर्म करोगे, बहुत जप तप करोगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो मर के देवगति जाओगे, ऐसा ही है ना। और देवगति में जाके क्या करोगे, क्या करने वाले देवगति में जा करके? ऐश मौज, हंसना खेलना खुश रहना, यहीं पे कर लो। इसी को स्वर्ग बना दो ना, इसी को देवगति बना दो। यहीं पे जो दिल से उदार है वो देव है, जो दिव्यता का स्वामी है, जो प्रकाशित जिंदगी जीता है वो देव है, जो अंधेरे में जिंदगी जीता है वो नारकी है। हम यहीं पे अपनी जिंदगी को देवत्व बना लें कि हंसते खेलते हुए जिंदगी जिए। जो बांटोगे वही मिलेगा, यही सृष्टि का राज। बिन परिश्रम बट सके खुशी तो क्यों कल पर हो आज। आज को कल पर क्यों डालते हो, आज ही हंसो, ठीक है ना। तो पर्यूषण आ रहे हैं, क्यों कल पर हो आज। आज से ही शुरुआत करो। पहला दिन विश्वास को बदलने का दिन। अगर आपको ये बात लगी है, समझ में आई है, अपने लिए घर जाकर के संकल्प लिखना, अपने पेपर पे लिखना और अपने सामने लगा देना कि मेरा संकल्प, अब से मैं अच्छाई पे भरोसा करता हूँ, खुद की अच्छाई और सबकी अच्छाई। मैं गुणों पे भरोसा करता हूँ, खुद के गुण, सबके गुण। मैं लाइफ में मिली ब्लेसिंग्स पे भरोसा करता हूँ, आई एम वेरी मच लक्की पर्सन, मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। लिखना, और मेरे से जुड़े हुए सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अपने विश्वासों को बदल लो, और जहाँ जहाँ लगता है कि अब तक ज्ञान था आचरण नहीं था, उन दोनों के बीच की खाई देखना, कोई गलत विश्वास होगी, उस गलत विश्वास को, चाहे वो गलत विश्वास ये हो कि मैं बहुत पापी हूँ, मेरे कर्म बहुत अशुभ है, मैं जो भी काम करता हूँ, काम करना शुरू करता हूँ, सब में बाधाएँ आती है, मेरे मित्र आगे बढ़ जाते हैं पर मैं पीछे रह जाता हूँ, हमेशा मुझे ही सबका वो सुनना पड़ता है, ऐसे कई सारे गलत विश्वास हमारे अंदर है कि मैं कितना भी कर लूँ यश तो मुझे मिलने वाला ही नहीं है, यश तो फला को ही मिलने वाला है, मेरे को तो सब बुरा ही बताएंगे, मेरी नेक बात को तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, मैं तो हूँ ही अनलक्की। ऐसे सैकड़ों विश्वास है हमारे अंदर में, लेडीज़ क्या, जेंट्स क्या, सबके अंदर है, बच्चे क्या, बड़े क्या और बूढ़े क्या, सबके अंदर ऐसे सैकड़ों गलत विश्वास है। आज हम अपने उन सैकड़ों गलत विश्वासों को निकालें। जैसे दीपावली से पहले अपने घर के सारे कूड़े को निकालते हो, नहीं, सब सफाई करते हो, ऐसे ही संवत्सरी से पहले अपने जहन में रहे हुए सैकड़ों गलत विश्वासों को जरा याद कर करके निकालो, पेपर पे लिखो, फिर उसके ऊपर क्रॉस लगाओ बड़े से रेड पेन से, और बोलो ये सब रॉन्ग था और राइट ये है कि मैं बहुत लक्की हूँ, मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। पूरे विश्वास के साथ कहो, और जिसने मुझे दुख दिया या सुख दिया, सबने मेरा बहुत भला किया, मुझे आगे बढ़ने में मदद दी, मुझे समझदार बनाने में सहयोग दिया, मैं सबका आभारी हूँ, सबके प्रति आभार आभार आभार। जय हो।